है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम आपके लिए सबसे चिंताजनक खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो खबर है साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में, जिसका शोर अब पूरे देश में फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे जिनमें इस त्यौहार के मौसम में लोग नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर जिम में व्यायाम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मौत हो गई। इन तमाम घटनाओं के बाद अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या नाचने गाने से या कोई शारीरिक गतिविधि करने से भी लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे के कारण क्या है। आज हम विस्तार से इन सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि भारत में कोविड के बाद साइलेंट हार्ट अटैक के मामले अचानक इतने बढ़ के गए हैं। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो गुजरात के आनंद जिले से हमारे पास आया है। ये वीडियो आप पहले देखिए। 30 सितंबर को यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 21 साल का लड़का गरबा करते समय अचानक नीचे गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। गुजरात के अलावा इसी तरह से घटना मुंबई के पास पालघर में भी हुई है, जहाँ 35 साल के एक व्यक्ति को गरबा करते समय हार्ट अटैक आया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इससे भी दुखद बात यह है कि जब इस व्यक्ति के पिता को उसकी मौत की जानकारी मिली तो पिता को भी इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें भी हार्ट अटैक आया और उनकी भी मौत हो गई। यानी एक ही रात में पिता और पुत्र दोनों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पहले 35 साल के बेटे ने हार्ट अटैक से जान गंवाई और फिर 65 साल के पिता की भी सदमे की वजह से मौत हो गई। पालघर के अलावा उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में एक दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान उड़िया भाषा के गायक, जिनका नाम मुरली मोहपात्रा, उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी और गाते गाते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब वो मंच के पीछे जाकर खड़े हुए तो इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी भी मौत हो गई। मुरली मोहपात्रा 59 वर्ष के थे और ऐसा बताया जा रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें काफ़ी पसीना आ रहा था, थोड़ी बेचैनी हो रही थी और उन्हें गाना गाने में भी तकलीफ हो रही थी, जो कि हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं और जब वो मंच पर पीछे जाकर खड़े हुए थोड़ा सुस्ताने लगे, इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नीचे गिर गए। और ये जो सारी घटनाएं हमने आपको बताई हैं, ये पिछले एक हफ्ते की घटनाएं हैं। अब सोचिए, पूरे देश में त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये लोग जरा सा नाचे और हार्ट अटैक आ गया। हालांकि इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है। इसी महीने के 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक और व्यक्ति को भी ऐसे ही हार्ट अटैक आया और उनकी भी मौत हो गई। इस व्यक्ति की उम्र हालांकि 65 वर्ष थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत से 10 मिनट पहले तक ये व्यक्ति जिन लोगों से भी मिला उन सबका यही कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा था और उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसे कुछ पल बाद हार्ट अटैक आ सकता है। इन तमाम घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि इन सभी लोगों को उस समय हार्ट अटैक आया जब या तो वो नाच रहे थे या कोई दूसरी शारीरिक गतिविधि कर रहे थे। यानी लोगों का जो शरीर है वो अब जरा से फिजिकल एग्जर्शन यानी थोड़ी सी भी शारीरिक थकावट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और जब भी वो जरा सी शारीरिक गतिविधि करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं या व्यायाम करते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। आपको याद होगा, इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही व्यायाम करते या गाना गाते हुए स्टेज पर बेचैनी हुई और हार्ट अटैक आ गया। तो इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि लोगों का शरीर अब इतने से भी एग्जर्शन को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या आज हर वो व्यक्ति जो शारीरिक गतिविधि कर रहा है उसे हार्ट अटैक का खतरा है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने ऐसी मेडिकल स्टडीज के बारे में आज पढ़ा, रिसर्च किया जो पिछले 2 सालों में हार्ट अटैक से आई है, और इस दौरान हमने कुछ डॉक्टरों से भी बात की। तमाम चीज़ों को समझने के बाद हमें 3 बातें पता चली जिनकी वजह से हो सकता है कि लोगों को ये साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। आप भी ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। पहला कारण है कोविड। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दुनिया के 22 से
ज़्यादा देशों में हुई अलग अलग रिसर्च में ये बात पता चली कि कोविड ने उन लोगों के हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाया जो इससे संक्रमित हुए थे। यानी दुनिया भर में जिसे भी कोविड हुआ, कोविड का संक्रमण हुआ है, ऐसे लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। कोविड दो तरह से इंसानों के हृदय पर अटैक करता है। पहला, जो लोग इससे ठीक हो जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के खून में इसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होने लगती है और ब्लड क्लोटिंग से हार्ट की फंक्शनिंग पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, कोविड से शरीर में खून गाढ़ा होने जैसे कई बदलाव देखे गए हैं जिससे दिल के धमनियों में सूजन बढ़ जाती है और ऐसा होने पर व्यक्ति कोई भी शारीरिक गतिविधि करने पर बहुत जल्दी थक जाता है और उसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात, कोविड की बीमारी में फेफड़े जो आपके होते हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और फेफड़े अपना काम पूरी क्षमता के साथ नहीं करते तो हृदय पर दबाव बढ़ने लगता है। इस दौरान हृदय अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और हाल ही में इस पर दिल्ली के एम्स ने एक स्टडी की है जिसमें पता चला है कि जो लोग कोविड का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए वो अब भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं और ऐसे तमाम लोग अब 400 से 500 मीटर तक चलने में भी थक जाते हैं और उनकी सांसें फूलने लगती है, जबकि पहले यही लोग बिना थके 3 किलोमीटर तक आसानी से चल पाते थे। इसके अलावा कोविड के बाद लोगों को नींद न आना, बाल झड़ना, घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द की भी शिकायत है और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका उनकी यादाश्त पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ पर एक बात ये है, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि कोविड के संक्रमण के 2 साल के बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। सोचिए 2 साल के बाद भी। दूसरा कारण है तनाव और एंजाइटी। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, टेंशन और तनाव से उनका दिन खराब हो जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे आपका दिन ही नहीं आपका दिल भी खराब होता है। अमेरिका में हुई एक नई स्टडी कहती है कि जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो इससे शरीर में बीमारियों से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन काफ़ी तेज हो जाता है और बाद में इसी की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है और हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। द सेंटर ऑफ फीलिंग की एक रिसर्च के मुताबिक आज भारत के 74% लोग तनाव से और 88% लोग एंजाइटी से संघर्ष कर रहे हैं जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कारण है जागरूकता की कमी। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में लगभग 40% लोग समय रहते हार्ट अटैक के लक्षण को पहचान नहीं पाते जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं होता। इसलिए आज आप चाहें तो हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण हैं जल्दी से नोट कर लीजिए। जब दर्द सीने से हाथों में चला जाए या फिर से दर्द लगातार जबड़े, गर्दन, पीठ और पेट की तरफ जाए तो ये हार्ट अटैक का लक्षण है। जबड़े की तरफ वो नसें होती हैं जो हृदय की तरफ आती हैं, इसलिए जबड़े में दर्द होना भी हार्ट अटैक का प्रमुख लक्षण है। ये मत सोचिए कि आपके दांत में दर्द है। मन अशांत लगे या चक्कर आने लगे, सामान्य तापमान में भी अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आए, बाएं हाथ में दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ हो, बेचैनी हो और ज़ोर ज़ोर से खांसी आए या खांसी के दौरे पड़ने लगे, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। इसके अलावा आजकल का जो लाइफ स्टाइल है और जो एयर पॉल्यूशन आपके आसपास है वो भी साइलेंट हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।